तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस तरीके का स्मूथ फर्स्ट मोशन एंड स्लो मोशन वाला वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो कैपकट ऐप पर। तो यहां पर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा और ये सिर्फ वीडियो फर्स्ट एंड स्लो मोशन पर ही होगी। और उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो अभी गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से कोई सी भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप फास्ट एंड स्लो मोशन एडिट करना चाहते हो। तो अभी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के ऊपर हम फास्ट एंड स्लो मोशन एडिट करेंगे। तो ये कुछ इस टाइप की वीडियो है। तो अभी यहाँ पर गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, टू फिंगर के साथ इस वीडियो को। और अभी यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपको वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपने इसको किस तरीके से फर्स्ट एंड स्लो मोशन में एडिट करना है। तो अभी यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और या नीचे आपने स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो आपने इसकी स्पीड सेट करनी है वो यहाँ पर आपने सेट करनी है 0.6s, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है डन। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए जो आपकी वीडियो है वो थोड़ा सा इस तरीके से भी स्लो मोशन के साथ प्ले होगी। तो अभी गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर और उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए जो वीडियो है हमें अब यानी कि थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर देखिए जो वीडियो यहाँ पर मैंने ऐड किया ये काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अभी यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे से आपने इसको स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो का, ठीक है, लास्ट वाला, तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो रही थी। तो अभी यहाँ पर जो वाटर मार्क है इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी यहाँ से आपने इसको कर लेना है एक्सपोर्ट अपनी गैलरी पर। तो अभी गाइस यहाँ से आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आने के बाद अभी यहाँ से जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपने इसको यहाँ से डिलीट करना है और यहाँ से आपने दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो अभी आपने अपनी वीडियो एक्सपोर्ट की थी कैपकट से, ठीक है, वही स्लो मोशन वाली, तो आपने उस वीडियो को दोबारा से यहाँ पर ऐड करना है कैपकट ऐप पर। तो अभी ये देखें वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुकी है जिसको हमने 0.6s पर एक्सपोर्ट किया था अपनी गैलरी पर। तो यहाँ पर देखें कुछ इस टाइप की वीडियो है। तो अभी गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे फिर से आपने स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर्व के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ नीचे देखिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कर्व्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ से जो आपने कर्व क्रिएट करनी है वो यहाँ पर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने खुद की यहाँ पर जो है कर्व क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने किस तरीके से कर्व को क्रिएट करना है। तो अभी गाइस यहाँ पर देखें हमें इस कर्व में बहुत ही कम डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने अपनी तरफ से किस तरीके से यहाँ पर डॉट्स ऐड करने हैं मज़ीद ताकि यहाँ पर आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से फर्स्ट एंड स्लो मोशन में एडिट हो पाए। तो यहाँ पर आपने जो खाली पॉइंट है उस पर जाना है और यहाँ पर आपने ऐड बीट करते जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आपने डॉट्स को ऐड कर लेना है मज़ीद, तो इतने डॉट्स बहुत हैं। तो अभी यहाँ पर गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर जो डॉट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप इन डॉट्स को ऊपर की तरफ रखते हो तो अभी यहाँ पर मैं टू डॉट्स ऊपर की तरफ करता हूँ और टू डॉट्स कर देता हूँ नीचे की तरफ। और यहाँ पर आपने ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं करना है डॉट्स को, नहीं तो आपका जो स्लो मोशन है वो यहाँ पर लैग कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें जो नीचे वाले डॉट हैं इस पॉइंट पर आपकी वीडियो स्लो मोशन में और ये जो ऊपर वाले हैं यहाँ पर आपकी वीडियो फर्स्ट मोशन में प्ले होगी। तो यहाँ पर देखें स्लो मोशन और ये फिर से इस तरीके से फर्स्ट मोशन में प्ले होगी। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और भी काफ़ी शानदार यहाँ पर डेमोस क्रिएट करके दिखा देता हूँ, अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो अपनी वीडियो पर तो इजीली ट्राई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखें थ्री डॉट्स मैंने ऊपर की तरफ किए हैं और टू डॉट्स नीचे और एक डॉट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट मोशन स्लो मोशन और यहाँ पर देखें फिर से यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट मोशन में प्ले होगी और यहाँ पर देखें स्लो मोशन में। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी डेमो यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर आपने ये वाली सेटिंग भी देख लेनी है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंड स्लो मोशन वाली वीडियो को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टोटल 8 डॉट्स को ऐड किया है, ठीक है, यानी कि टोटल 8 यहाँ पर ऐड बीट लगाए हैं हमने कर्व के ऊपर। तो आपने भी सेम ही वाली सेटिंग अप्लाई करनी है अपनी फर्स्ट एंड स्लो मोशन वाली वीडियो को एडिट करने के लिए। तो अभी यहाँ पर देखें अगर आप सारे डॉट्स नीचे कर देते तो यहाँ पर आपकी वीडियो कम्प्लीटली स्लो मोशन में प्ले होने वाली है। तो अभी यहाँ पर देखें 5 डॉट मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं और 3 डॉट नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से फर्स्ट मोशन और स्लो मोशन में आपकी वीडियो प्ले होगी। तो अगर आप इन डॉट्स को जस्ट इस तरीके से आप सैंड डाउन करते हो तो यहाँ पर आपकी वीडियो जल्दी जल्दी यानी कि फर्स्ट एंड स्लो मोशन में इस तरीके से प्ले होगी। तो यहाँ पर देखें वीडियो भी देखने में काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यानी कि ये जो कैपकट ऐप है यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ स्लो मोशन देखने को मिल जाता है जो कि आपको और किसी भी ऐप में देखने को नहीं मिलता। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो सबसे बेस्ट ऐप है फर्स्ट एंड स्लो मोशन वाली वीडियोस क्रिएट करने के लिए वो कैपकट ऐप ही है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो फर्स्ट एंड स्लो मोशन में। तो आज की इस वीडियो में इतने है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।